ना भगवान है ना कोई परमेश्वर है, अगर है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरा जीने का कोई भी उद्देश्य नहीं रहा, अब मेरे जीवन में कोई भी उम्मीद नहीं थी, सब कुछ खत्म हुआ था और मैं बिल्कुल अब ये ठान चुका था कि मैं किसी चीज को नहीं मानूंगा। कई बार कोशिश भी किया आत्महत्या करने की, धीरे धीरे अब नास्तिक बना था, किसी चीज को नहीं माना था कहीं भी। सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, गॉड चैनल के माध्यम से गवाही देने का अवसर मिला, मेरे जीवन की गवाही देता हूँ। मैं अपने जीवन में गांव में देव मंदिर में चलता था, मेरा जीवन मंदिर में था, बिताते थे हम अपने, हम उस पर ही ज़्यादा विश्वास करता था मैं। तो आगे जाके क्या हुआ, मेरा बेटा इकलौता बेटा था, दो बेटियां, मेरी बड़ी बेटी, उसके बाद तीसरा बेटा, वो जैसे वो 21-22 साल का हुआ था तो वो एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हुआ उसका, और वहाँ सुन्नी रोड में शिमला जा रहे थे और सुन्नी रोड में एक्सीडेंट हुआ, तो मेरा सारा जो है भरोसा टूट गया। जिस पर मैं भरोसा करता था वो मेरा भरोसा टोटली मेरा भरोसा टूट गया है। तो मैं अब यही सोच रहा था, अब मैं तो किसके लिए जीऊं, जिस खुशी में जी रहा था वो खुशी मेरी सारा टूट चुका था। तो मैं यही सोचा अब मैं किसके लिए जीऊं, मेरा जीना व्यर्थ है। अब मैं तो यही सोच रहा था अब मैं किसके लिए जीना है, बेकार मेरा जीना। मैं आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, मैं कई बार आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, मैंने नहीं जीना है, क्यों जीऊं मैं, किसके लिए जीना है। जिस पर भरोसा था उसने मुझे धोखा दिया। मेरे मन में ये सोच रहा था कि जिस पर मैं भरोसा था तो उसने, वहां मेरा भरोसा टूट गया, तो अब मैं किसके लिए जीऊं। तो ऐसे करते करते फिर मैंने सोचा अब मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा। मैंने मन में ऐसा ठान लिया मंदिर में नहीं, या तो मैं मरूंगा, अगर मैं जीऊंगा तो मैं मंदिर में जाऊंगा ही नहीं। तो मेरा भरोसा सारा टूट चुका था, एक प्रकार का मैं एक नास्तिक बन गया था। मैंने ये सोचा कि अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, किसी चीज को नहीं मानूंगा, ना मैंने ये सोचा ना भगवान है ना कोई परमेश्वर है, अगर है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरा जीने का कोई भी उद्देश्य नहीं रहा, अब मेरे जीवन में कोई भी उम्मीद नहीं थी, सब कुछ खत्म हुआ था और मैं बिल्कुल अब ये ठान चुका था कि मैं किसी चीज को नहीं मानूंगा। कई बार कोशिश भी किया आत्महत्या करने की, धीरे धीरे अब नास्तिक बना था, किसी चीज को नहीं माना था, कहीं भी नहीं जा रहा था, मैं सिर्फ ऐसे ही अपना शरीर को मतलब जिंदा जैसा रख रहा था और ऐसे ही चल रहा था, मतलब ये शरीर भी है कि नहीं है, मेरे को कोई वो नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था। एक बहन ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, भाई जी आप क्यों इतना रोते रहे, उनके पास रो रहा था मैं, सिस्टर के पास मैं रो रहा था, और मत रो, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, प्रभु यीशु मसीह शांति देने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह दिन दुखियों को सुख में बदलने वाले हैं, वो मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं, वो आनंद काल का जीवन देने वाला है हमारे लिए, वो यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो उसने हमें जीवन दिया है। उसके बाद जब मैंने यीशु मसीह को सही रीति से जाना, फिर मैं एक बार चर्च गया, पहली बार तो मुझे कोई समझ नहीं आया, फिर दूसरी बार दूसरे संडे को गया, फिर उस टाइम कुछ समझ आया कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोई बताया, तो मुझे कुछ थोड़ा विश्वास जैसा आया, समझ तो वहाँ नहीं आया क्या बता रहे हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ चर्च में गया उसके बाद मेरे को कुछ शरीर में हल्का सा महसूस हो गया, शांति जैसे मिली, तो ऐसे धीरे 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 मेरे अंदर कुछ ऐसे खुशियां जैसी ऐसी शांति मिली, जैसे
ऐसी शांति मिले जब मैं खुश जैसा हो रहा हूँ। तो धीरे धीरे प्रभु में मैं आगे बढ़ता गया, वचन सुनता गया, परमेश्वर का सत्य वचन को सुनता गया। तो सुनते सुनते मैंने देख लिया, ये तो सत्य मार्ग और जीवन तो यही है। मैं कहाँ भटका हुआ था, मैं तो भटक चुका था पहले, हर कहीं भटक चुका था। असली शांति तो प्रभु यीशु मसीह के पास है। जब मैं पहले मंदिर में चलता था और गांव में चलता था, तो जैसे मैं गया, जैसे मैं चर्च गया, एक संडे दो संडे लोगों को पता लग गया वहाँ चर्च जा रहा है, लोग मुझे विरोध करने लगे। एक व्यक्ति ने तो मुझे यहाँ तक भी बोला, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, देखना वहाँ पर आप लोगों को तो वहाँ तो गिलास में वो खून देते, खून पिलाते है, ये बताया। मैं बोला देखूंगा, अगर ऐसा करेंगे तो मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, फिर उस दिन से मैं जाना बंद कर दूंगा, नहीं जाऊंगा अगर ऐसा करते। मैं पहले ही विरोधी था और मैं फिर क्यों मानना था मैं उस चीज को। तो उस पर जब दाखरस पिला रहे थे, मेरे को डाउट हो गया, कुछ लाल लाल जैसा है। जब मैं एक बार तो डाउट हो गया, मैं थोड़ा सा मैं सोचा टेस्ट तो करता हूँ, अगर कहीं खून होगा तब तो मैं वहीं से मैं इनका विरोध करूंगा करके मैं वहां से हटने वाला था। मैं फिर जब मैं टेस्ट किया तो दाखरस था, वो तो जूस था, तो जूस पिलाया, तो उसने पहली बार पिलाया। फिर आते आते फिर अगले महीने में जब वो पिलाया वो दाखरस, वो तो हमने बाजार से कई बार तो मेरे से मंगाते थे, बाजार से वो जूस लाते थे, उसको प्रभु के लोगों के स्मरण में पिलाते थे। वो भी मुझे सारा झूठ निकला, जो लोग बोलते थे वो भी झूठ निकला, और जो पैसे के बारे में बोलते थे पैसे देते है वो भी सारा झूठ निकला। क्योंकि वहां पर हम अपना कमाई में से, कमाई का श्रद्धा से जो हम वहाँ देते थे अपने कमाई में से, तो वो हम वहाँ पर भेंट चढ़ाते हैं। उसमें से जो भी वहाँ का खर्चा होता है, चर्च का खर्चा, तो कोई खर्चा होता है, वो सारा लोग सब ऐसे दे रहे थे, हमने भी देना शुरू कर दिया। ये सारा जो लोगों का कहना था, आज मुझे सत्य का पता लग गया। लोग सारे झूठ बोलते थे, सब लोग विरोध करते थे, विरोध में बहुत कुछ बोलते हैं, तो वो सारा जो है ना गलत है, जिन्होंने भी ये विरोध करते हैं वो सब गलत है। क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन प्रभु यीशु मसीह, आज मैंने वो देख लिया कि प्रभु सत्य मार्ग और जीवन प्रभु यीशु मसीह ही है। मैं तो सिर्फ दुख से बाहर निकलने के लिए सोच रहा था, मैं सिर्फ वहां जाके मैं अपना जो दुख है उससे बाहर ही निकलने का, इतने तक ही सीमित था, इतना ही सोच रहा था। लेकिन आज ऐसी शांति मिली, ऐसी खुशी मिली कि ये खुशी ही नहीं, शांति ही नहीं, आनंद जीवन का हमें हमेशा हमेशा के लिए आनंद जीवन मिला है। हमें जीवन का पता लग गया कि आनंद जीवन क्या है, मरने के बाद भी हमारा जीवन है, मरने के बाद हमने कहाँ जाना है वो भी परमेश्वर वचन ने मुझे बताया। मरने के बाद कहाँ जाना है कि मरने के बाद भी हमारा जीवन है, हम मरने के बाद भी हमने कहाँ जाना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरकर तीसरे दिन जी उठा, वो जीते जी शरीर में आज भी जिंदा है, और हमें भी वो आनंद जीवन मिलने वाला है। हम मरने मरकर हम भी हमने परमेश्वर पर जाना है, ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये वचन सत्य है। ये वचन कोई किसी मनुष्य ने नहीं बनाया लिखा है, ये परमेश्वर के अगुवाई के द्वारा ये वचन ये लिखा है, उनके नबियों के द्वारा लिखाया गया है। ये मुझे आज पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आज मैं अनंत काल का जीवन जी रहा हूँ, अनंत काल में का जीवन मुझे मिला है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह आपको सबको आशीष करें, आप सबके साथ रहें। जय मसीह।